विपक्ष में आएंगे ना, आएंगे विपक्ष में आएंगे, विपक्ष में आएंगे, विपक्ष में आएंगे। अच्छा, विपक्ष की सीटों पर बैठे हैं। अखिलेश जी ही मुख्यमंत्री रहेंगे, लेकिन भूतपूर्व रहेंगे, भूतपूर्व रहेंगे। हाँ, भूतपूर्व रहेंगे। वो योगी जी का जनता भाग के ले क्या, योगी सरकार ने उनके जितने भाजपा का गुंडा लोग, चर्चा लोग, जितने चौथा लोग है, पहले उनका चौथा देखो, देखिए दर्द को देखिए। भारतीय जनता पार्टी का कोई योगदान है, पहला काम। दूसरा काम, भारतीय जनता पार्टी को इसलिए नहीं बैठाया गया था कि यहाँ के गरीबों को उजाड़ करके अंबानी अडानी का नया नया होटल बनाया जाएगा, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को बैठाया गया था यहाँ पे। दो साल से धरने पर बैठे हुए हैं, अभी तक किसी को उचित मुआवजा नहीं दिया गया है और आज तक जमीन वो अधिग्रहण नहीं कर पाया। ठीक है, ऐसा आप देख लीजिए कहाँ पे, आप इसका एक जगह बता दीजिए। माझा बराठा में जितने भी अनलीगल हैं, अयोध्या की 99% जमीन गवर्नमेंट की है। अनलीगल, अगर वो चीजें अनलीगल है तो आप उसको हटियाइए। आज मायावती होती है, नमस्कार, मैं द नवजीवन से अंकित सिंह बासु बोल रहा हूँ। जहाँ तक खबर आ रही थी अभी कुछ दिन पहले कि देश प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी फैजाबाद से विधानसभा चुनाव लड़ने वाले थे, लेकिन कहीं ना कहीं क्या कुछ हुआ, उन्हें हार का डर सताने लगा या फिर भाजपा ने ही उनकी पहले से ही घर वापसी कर दी, क्या कुछ है। मैं फैजाबाद में, हमारे पास आप देखें तमाम युवा मौजूद हैं, हम इन युवाओं से जानेंगे कि आखिरकार क्या कारण रहा कि योगी जी यहां से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। वो यहां का मास्टर स्ट्रोक कहा जाता था कि अगर वो अयोध्या से चुनाव लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं पूर्वांचल की कई सीटें प्रभावित होंगी, आजमगढ़, अकबरपुर, मऊ जैसे जिलों की कई सीटें उनके आने से भाजपा के फेवर में आ सकती थी, लेकिन भाजपा ने उन्हें वापस गोरखपुर से चुनाव लड़ने के लिए भेज दिया है। इन विषय पर हम लोगों से, इन युवाओं से जानना चाहेंगे कि आखिरकार उनका क्या कहना है। आप देखिए क्या कहेंगे इस विषय में। देखिए, उनको भारतीय जनता पार्टी पहले ही घर भेज दी है, उनको गोरखपुर विधानसभा का टिकट नहीं दी है, उनको घर रहने का टिकट दी है, घर पहुंचाने का टिकट दी है। और हमें तो ये लगता था कि भारतीय जनता पार्टी व योगी आदित्यनाथ अयोध्या के सदर सीट से चुनाव लड़ेंगे, तो इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है। कम से कम यहाँ की जनता और वो जितने पानी में है, जितना भौकाल बताते हैं, जितना बनाते हैं अयोध्या के नाम पे कि अयोध्या में हमने इतना विकास किया, अयोध्या में हमने इतना विकास किया, कम से कम उनको पता तो चलेगा कि अयोध्या की जनता कितनी खुश और कितनी नाराज है। देखिए, उनको पता चल गया, बीजेपी के जो छोटे कार्यकर्ता थे उनको ये संदेश दे दिए, उनको बताए कि यहाँ से आप मत लड़िए योगी जी, वरना आपकी करारी हार का सामना करना पड़ेगा और आपकी बेइज्जती इतनी बुरी हो जाएगी, भारतीय जनता पार्टी की बेइज्जती इतनी बुरी हो जाएगी कि इसका संदेश पूरे देश और प्रदेश में जाएगा। आप कह रहे हैं योगी जी हार जाते हैं यहाँ से, कहीं ना कहीं आपका कथन ये है। नहीं, लेकिन योगी जी ने, आप देखिए, इतना बढ़िया दीपोत्सव, जब से सत्ता में आए हैं दीपोत्सव होता है, राम मंदिर का निर्माण उन्होंने चुनावी वादा किया था कि राम मंदिर का निर्माण करेंगे, राम मंदिर बन भी रहा है, तो फिर ऐसा रिएक्शन क्यों है? देखिए, राम मंदिर का निर्णय सर्वोच्च न्यायालय का है, इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई योगदान नहीं है, पहला काम। दूसरी बात, राम कथा पार्क के बगल में गरीबों के मकानों को गिराया जा रहा है, ठीक है, किसानों की नई अयोध्या के नाम पर जमीनों, किसानों के जमीनों को हत्याया जा रहा है, व्यापारियों के दुकानों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, इस तरीके के राम राज्य की कल्पना की थी अयोध्या की जनता ने? अयोध्या की जनता ने इस तरीके की कल्पना नहीं की थी राम राज्य का। अगर जो ऐसा राम राज्य लाना है तो आप अपने घर में बैठिए। आप बताइए भैया जी, देखिए योगी जी को अयोध्या से चुनाव लड़ने वाले थे, लेकिन क्या हुआ, सीट बदल के गोरखपुर कर दी गई, क्या उन्हें हार का डर सता रहा था, क्या उनके सर्वे में हार आ रही थी? हार और डर और जीत का इसका कोई महत्व नहीं है, महत्व इस बात का है कि पार्टी जिस, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे बीजेपी हो, जिस कैंडिडेट को जहाँ पे पार्टी का टिकट देगी वो व्यक्ति वहीं खड़ा होगा। ये शुरू का हल्ला था वो तो ठीक है, डर का सताना, अब जैसे अखिलेश जी अपने पार्टी जहाँ उनकी पार्टी कहेगी वहीं पर लड़ेंगे, अपने मन से तो कहीं से लड़ेंगे नहीं, तो शायद बीजेपी वहाँ पे अपना किए, और गोरखपुर उनका निजी घर है, वहाँ के महंत है, तो उनको वहाँ लड़ना बेहतर है। नहीं, अखिलेश जी कह रहे हैं कि बीजेपी ने पहले से उनको घर वापस भेज दिया और अब वापस के लिए बाहर कर दिए। विपक्ष अगर किसी का विरोध नहीं करेगी तो पता कैसे चलेगा कि हम विपक्ष में हैं? अगर विपक्ष विरोध नहीं करेगी तो पता नहीं चलेगा कि हम विपक्ष में हैं, तो विरोध करना उनका स्वाभाविक है और ये होना चाहिए क्योंकि पार्टी रीति है।
जी जी देखिए कह रहे हैं भाई साहब कह रहे हैं कि पार्टी जो निर्णय लेगी उसको कार्यकर्ता को मानना पड़ेगा और पार्टी के निर्णय से वो फैजाबाद से चुनाव न लड़ के गोरखपुर जा रहे हैं। अगर मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जो अयोध्या में आकर आपने कवरेज कर रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूँ अगर योगी जी की इतनी हैसियत नहीं एक सीट लेकर वो अयोध्या विधानसभा से लड़ सके तो उनका कोई दायित्व नहीं बनता कि वो गोरखपुर ही जाए। जी जी ठीक है इससे सही चुनाव ही न लड़े। आज अयोध्या में मुआवजे के लिए 2 साल से धरने पर बैठे हुए हैं अभी तक किसी को उचित मुआवजा नहीं दिया गया है और आज तक जमीन वो अधिग्रहण नहीं कर पाया। ठीक है ऐसा आप देख लीजिए कहाँ पे है आप इसका एक जगह बता दीजिए। माझा बराठा में जितने भी अनलीगल हैं अयोध्या की 99% जमीन गवर्नमेंट की है। अनलीगल अगर वो चीजें अनलीगल है तो आप उसको हथियाइए। हथिया नहीं रहे कोई भी गवर्नमेंट हो चाहे किसी की भी हो कोई हथियाता किसी का नहीं है। आप प्रदेश की संपत्ति है प्रदेश सरकार उसका मालिक होता है ना कि हम आप मालिक होते हैं। आज आप कहीं भी कोर्ट में चले जाएं अगर आप अपने घर का भी बैनामा लिखाते तो 99 साला 1 लगाया जाता है आपको पता होगा पढ़े लिखे पते हैं। लेकिन आज जितने भी यूपी और जितने भी यहाँ का जितना भी भूमि है सरकार किस लिए बनाई जाती है ये बताइए। सरकार बनाई जाती है जनता के हित के लिए जनता के हित के लिए नहीं बनाई जाती है। सरकार इसलिए बनाई गई थी रामराज की कल्पना अयोध्या की जनता इसलिए करती थी कि अध्यादेश लाकर के राम जन्मभूमि का निर्माण करेंगे। ये राम जन्मभूमि का निर्माण तो नहीं करा पाए सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आता है उसके बाद फैसला आता है और क्या कहते हैं ट्रस्ट के लोग उसके मंदिर का निर्माण करवा रहे हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई योगदान नहीं पहला काम। दूसरा काम भारतीय जनता पार्टी को इसलिए नहीं बैठाया गया था कि यहाँ के गरीबों को उजाड़ करके अंबानी अडानी का नया नया होटल बनाया जाएगा इसलिए भारतीय जनता पार्टी को बैठाया गया था यहाँ पे। दो प्रश्न मेरे हैं पहला कि अयोध्या में कोई ऐसा काम बता दें जिसका योगी जी पिछले 5 सालों में उसका शिलान्यास उद्घाटन दोनों किया। सुनिए दूसरा जवाब ये योगी सरकार की 4 योजनाओं का नाम बता दें जो पिछली सरकार में ना रही हो मैं यहाँ से चला जाऊंगा और भारतीय जनता पार्टी को चार नहीं ये तो पूरा प्रदेश पूरा देश जानता है। सुनिए पहले आप योगी सरकार मोदी सरकार के ऊपर मत जाइए। अगर आप जात बिरादरी की वोट बैंकिंग कर रहे हैं मैंने विकास की बात किया विकास क्या नहीं हो रहा है बताइए। राम की पैड़ी पे आप खड़े हैं आप यही देख सकते हैं विकास कैसा है। अरे मूर्ख लोग अपनी बात रखूंगा बताइए कह रहे हैं अगर भाजपा का विकास देखना है तो राम पैड़ी पे विकास देखिए क्या आपको विकास यहाँ नहीं दिखता। राम पैड़ी आज बनी है इतना बड़ा घोटाला यहाँ पर हुआ है तीन बार बड़ा है ये घोटाला होने के बाद और ये प्रचार करने के लिए लगाया गया है बता दे रामायण चल रहा है यहाँ प्रचार करने के लिए आचार संहिता का उल्लंघन किया जाता है। यहाँ पर हम अभी भी चने में क्या कहते हैं उनके फोटो नहीं लगाया गया और दो प्रश्न मैंने किया दोनों प्रश्नों का जवाब इनके पास नहीं है। 5 काम बता दे यहाँ से तुरंत चला जाऊंगा। अयोध्या की बात पर पूरे प्रदेश में योगी जी लड़ते हैं अगर अयोध्या में ही अगर वो 5 काम है बता देंगे मैं हर चीज से इस्तीफा दे। चलिए कुल मिला के बताइए क्वेश्चन आपसे होगा भाजपा के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का बयान आया कि मथुरा काशी में निर्माण मंदिर का निर्माण जारी है अयोध्या काशी में मंदिर का निर्माण जारी है मथुरा की तैयारी है कहीं ना कहीं ये वादा ये जो उनका घोषणा आया ये ऐसे समय में आया जब चुनाव है बिल्कुल सिर पे तो कहीं ना कहीं विकास से भटकाने का मुद्दा था ना। विकास से भटकाने का कोई मुद्दा नहीं है आपके घर में आकर के कोई दूसरा राज्य करे आप तब तक उसको बर्दाश्त करेंगे जब तक आपका पावर नहीं आएगा तब तक आप उसका काम तो करेंगे नहीं। तो मथुरा अयोध्या काशी हमारी धरोहर है ये मैं हिंदुत्व की बात नहीं कर रहा हूँ ये हमारे सनातन संस्कृति की एक पहचान है जो उसको लाने का प्रयत्न कर रहे हैं इसके लिए उनका दादी तुम भी बोलिए आप भी बोलिए दादी कुछ बोल रहे बताइए दादी जी कौन आ रहा आपकी बात। अरे जोगी यही है और क्या जोगी जी आएंगे काहे जोगी जी आएंगे कुछ काम। अरे काम हो या ना हो लेकिन नहीं है वही अरे कोई बात तो होगी काम नहीं है लेकिन जोगी नहीं आप बताइए दादी जी तो कर रहे हैं देखिए हमारे भी गार्जियन से पूछ लीजिए हमारे इनसे भी ज्यादा बुजुर्ग हैं हमारे भी पूछ लेंगे उसके भी देखिए सुनिए काम नहीं है यहाँ मुद्दों पे बात होनी चाहिए यहाँ विकास पे होनी चाहिए। यहाँ महाराजा इंटर कॉलेज एक सरकारी विद्यालय है अधिकारी भेंट नहीं करेंगे तीसरा दिन आवे
अब आज मायावती होती एक दरखास्त गई थी तो कुटिया पाँच हजार घर लेंगे नहीं खेल लेंगे चूल्हा सगनाई दिन मल्टी तेल चलागा चल चलाएंगे देखिए उनके उनके दर्द को देखिए उनके दर्द को देखिए इनके मुंह से अगर योगी जी निकल रहा लेकिन उनके दर्द को देखिए आज मट्टी तेल बंद हो गया उनका दर्द ये बता रहा है योगी जी नहीं मिल रहा है कहाँ मिल रहा कहाँ बता रहा है पेंशन मिल रहा दादी वृद्धा पेंशन कुछ देखिए इनके दर्द को देखिए बताइए दादी जी आप बताइए योगी सरकार में ऐसा क्या क्या है जो आपको नहीं मिल रहा है योगी सरकार ने उनके जितने भाजपा का गुंडा लोग चमचा लोग जितने चौटा लोग है पहले उनका चौथवन देखो बहुत देखिए देखिए इनके दर्द को देखिए हमारे काम लागे तो उससे मिलेंगे जहाँ का प्रशासन अधिकारी ठीक होंगे वहाँ चाहे जो होगा सब जीतेगा प्रशासन उनके अभी अभी तो आपने कहा था योगी जी आएंगे जबरदस्ती आएंगे ईवीएम घोटाला कर देंगे क्या ईवीएम घोटाला आएंगे मशीनिया में देखिए जो कुछ करा उसे हम देखिए दादी बता रही ना इनके दर्द वो बताई योगी जी आएंगे हम भी ये नहीं कहेंगे योगी जी नहीं आए अगर ईवीएम पक्ष में आएंगे 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 विपक्ष में आएंगे अच्छा विपक्ष वाली सीट पर बैठे जी जी आएंगे विपक्ष की सीट पर रहेंगे पूर्व रहेंगे विपक्ष की सीटों पर बैठे अखिलेश जी ही मुख्यमंत्री रहेंगे लेकिन भूतपूर्व रहेंगे भूतपूर्व रहेंगे हाँ भूतपूर्व रहेंगे वो योगी जी भाग गए क्या योगी जी योगी जी इतना विकास कर रहे हैं हम लोगों का इसमें सारा चीज वर्षस्व बचा हुआ है हम लोग के हाथ में है और हम लोग भाई देंगे जीवन भर देंगे खानदानी भाजपा है खानदानी हम लोग भाजपा है और भाजपा को ही उठ देंगे जीते तो हारे तो जो भी है हम लोग का लक्ष्य है क्या नाम है आपका मायावती बताइए इस बार 2022 में कौन आ रहा है यहाँ से योगी जी तो आप देखिए अखिलेश जी कह रहे हैं पहले उनकी घर वापसी भाजपा ने कर दिया क्योंकि वो फैजाबाद से लगने वाले थे लेकिन वापस गोरखपुर भेज दिए गए हैं ये तो कहने की बात है जी जी आप बताइए बाबा जी कह रहे हैं योगी जी ने जितना काम किया उतना किसी मुख्यमंत्री ने नहीं किया है तो एक काम अयोध्या की बता दे जो जिसका योगी सरकार शिलान्यास उद्घाटन किया हो बताइए बाबा जी यानी शिलान्यास तो किसी ने किया लेकिन बनवा करके दिखा देते बनवाया तो मैंने पूछा शिलान्यास उद्घाटन तो योगी सरकार में हो गया हो पाँच साल में पाँच साल तो पूरा हो गया समय काल क्या एक भी समय काल परिस्थिति के अनुसार वो सारी क्रियाओं को करेंगे उनको अवसर दिया जाए दोबारा जी जी उनको दोबारा अवसर दिया जाएगा इससे अच्छा विकास होगा जो चोर है वो भक्के जाएंगे यहाँ से जो चोर है भक्के जाएंगे जो बदमाश है वो भक्के जाएंगे जो हिंदू सनातन धर्म को नहीं मानता वो अयोध्या से भगेगा जी जी एकदम निश्चित है वो भगेगा देखिए सुनिए कोई हिंदू कोई हिंदू अगर जो सनातन धर्म या उसका विरोध करता है मैं उसका विरोध सबसे पहले करता हूँ उसके विरोध में सबसे पहले खड़ा होने का काम करूंगा मैं एक हिंदू हूँ और भारतीय जनता पार्टी व भारतीय जनता पार्टी के लोग मुझे हिंदू होने का सर्टिफिकेट न दे जी वो तो आप भारत में पैदा हो गए पहले ही मिल गया बताएं सुनिएगा रोजगार की अगर हम बात करें तो योगी सरकार करे 4.5 लाख रोजगार दिए लेकिन अभी धरातल पर ऐसा रोजगार दिख नहीं रहा है देखिए ये बता देना किसको दिए बताइए सुनिए फिर से सरकार बनने दीजिए 4 नहीं 6 हजार और बढ़ाएंगे उसमें 6 हजार और बढ़ाएंगे 10 हजार 15 हजार और बढ़ाएंगे ठीक है अखिलेश जी से पूछिए क्या कह रहे हैं मायावती आइए आप आगे आ गए 6 हजार नहीं होगी ठीक है लोग अपने घर से 10 पॉलीथिन ले आते 15 पॉलीथिन यहाँ बहा के जाते हैं कोई पॉलीथिन उठा के लेके जाता है अपना पॉलीथिन को यहाँ तो गंदगी तो यहीं पे करता है इनसे नई शिक्षा नीति के तहत कितना फीस बढ़ाया गया है इनसे पूछिए आर्मी में कितना कितना दिन हो गया भर्ती नहीं निकली बाबा जी कह रहे भर्ती नहीं निकली देखिए भैया अखिलेश को ये काम अपने घर से करेंगे
मुख्यमंत्री बनने के बाद में क्या कर रहे हैं बाबा जी? अरे पद नहीं खाली है, कितना पद खाली है? कहाँ नहीं खाली है? ये तीन साल से पद नहीं खाली है। सरकारों में तीन साल नहीं होती है, सरकार में बच्चियां नहीं होती है। ये बताइए, अरे 2015 में 75,000 से 74 मिलियन नहीं कर पाए, आरक्षण घोटाला 2018 में रेस मारा, 10 मीटर लीड मरा के रेस मारा, कलर में मारा, रेस मारने के बाद मेडिकल अनफिट हो गए, इसका क्या मतलब होता है? ओ अंदर चेस्ट, हमने कहा दोबारा ना आप लोग दोबारा नहीं नापते हैं। अखिलेश की सरकार थी, हर वर्ष में मतलब हर एक वर्ष में भर्ती आती थी, 2018 से भर्ती नहीं आ रही। लोग जैसे मुकदमा वापस तो नहीं लेते थे? अरे 56 मुकदमा वापस करने वाले, वापस लेने वाला मुख्यमंत्री खुद मुकदमा वापस लेते हैं, इससे बड़ी बात क्या? देश का मुख्यमंत्री और अखिलेश यादव आपको हम यादव हैं, मैं अखिलेश का सपोर्ट करेंगे, सीधी बात। मैं भारतीय हूँ। आप कहिए जाति मजाक से उठ के देखिए, जटवा नहीं लगा रहे हैं, कह रहे मैं भारतीय हूँ, मैं भारतीय हूँ। आप भारतीय हो? दानव जीवन, यहाँ आपके नाम रजिस्टर कर लेंगे, यहाँ पे नंबर ले लेना, आपके पिताजी के नाम पे। कौन सी दीवार आपकी टूट रही है रोड पे? हम बता रहे हैं जमीन का, मेरा खुद का जमीन शाहनवाजपुर में लिया है, 20 लाख की जमीन 6,05,000 में बेचे। क्यों नहीं उसको कोर्ट में पेश किया? अरे जबरदस्ती मुकदमा लिखने का काम कर दिया है भारतीय जनता, हमारे घर को नाम बगैर नालियों ना बताया है। ये सरकार देखिए, यहाँ हम बता रहे हैं, मेरे फैमिली कोई नौकरी नहीं छोड़ करता है, ठीक है? फर्जी मुकदमे ला दे जाते हैं, हमारे प्रधान जी के ऊपर फर्जी मुकदमे लाया गया।